Hi friends, what's up? Welcome to the study HPGK. So today here I am discussing about the HP Allied Services 2020. So aaj yahan pe main discuss karne ja raha hu HP Allied Services 2019 jo ki 2020 mein abhi conduct hone ja raha hai, usi ke bare mein main discuss karne ja raha hu. First of all, agar hum iske bare mein discuss kare to abhi iski official exam date pehle bhi aayi thi, par ye exam cancel ho gaya tha kyunki ye class 3 mein lie karta tha, iski post class 3 mein lie karti thi. तो इसके कारण जो ओनली एचपी के कैंडिडेट्स हैं क्लास 3 और 4 के लिए, सिर्फ एचपी बोनाफाइड कैंडिडेट्स ही हैं सिलेक्ट किए जाएंगे. दैट्स व्हाई इसकी एग्ज़ाम डेट चेंज हो गई थी और फिर से जो और फ्रेंड्स हैं उनका फॉर्म फिल करने का मौका मिला था. तो अभी जो प्रिलिमिनरी की एग्ज़ाम डेट है 2020 में, अभी फेबररी में एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गई है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो. सॉरी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिगार्डिंग एग्जामिनेशन डेट ऑफ द एचपी अलाइड सर्विसेज. तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑफिशियल एग्जाम डेट है इसकी रिलीज हो चुकी है. ये अगर देखा जाए तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 24 थी जो कि 2019 में पब्लिश हुई थी, 26 दिसंबर को द्वारा पब्लिश हुई थी ये. तो अभी तक भी फॉर्म इसके फिलअप किए जा रहे हैं, पर अभी जो इसका एग्ज़ाम डेट है वो रिलीज़ हो चुकी है जो कि अभी एग्ज़ाम है इसका कंडक्ट होगा 9 फरवरी को. इसके अलावा आप 15 जनवरी तक इसके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, अभी भी फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं. तो अगर आपने फिल नहीं किया है और अगर आप करना चाहते हैं, आप इसके बारे में अवेयर नहीं थे, तो आप अभी भी कर सकते हैं. क्योंकि 1 मंथ अगर हम एच पी जी के पे फोकस करते हैं तो इसमें काफ़ी जो एग्ज़ाम है तो वो एच पी जी के में से ही आता है काफ़ी एग्ज़ाम. तो कहाँ पे ये कंडक्ट होगा, तो एडमिट कार्ड आपके अपलोड कर दिए जाएंगे जो भी कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म फिलअप करेंगे. अब ये कंफर्म हो गया है कि जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होगा 9 फरवरी को. दिस इज़ द मेन पॉइंट जो कि एग्ज़ाम कब होगा, तो 9 फरवरी को अभी इसका एग्ज़ाम होगा. तो आज पूरा देखा जाए तो नियर अराउंड हमारे पास पूरा 1 मंथ रह गया है इसके लिए. सो दिस वन इज़ द मेन अपडेट रिगार्डिंग दिस. सो आज के लिए यहाँ पे इतना ही. सो हैव ए गुड डे.